गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आप जानते हैं कि जितने भी वेकअप ड्रिंक्स हैं उनमें से कैफीन या कॉफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने मूड को अपबीट करने के लिए, अपनी सुस्ती को खत्म करने के लिए, अपनी अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए लोग सबसे ज्यादा किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कॉफी। कॉफी बेसिकली कंटेन्स कैफीन। आज हम कैफीन को साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैफीन इन द बॉडी। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो कैफीन है वो वेकअप करती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका एनर्जी, आपकी मूड दोनों को अलर्ट करती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, मूड को अलर्ट करती है। जो एक कप आप कॉफी लेते हैं उसमें 100 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होता है। जो एक 100 मिलीग्राम आप कैफीन अगर लेते हैं तो वो करीब 6 घंटे तक आपके मूड को अपबीट रखता है एंड एनर्जी का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपका मूड और ज्यादा बेटर होगा या आपका एनर्जी का लेवल और ऊपर होगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ज्यादा कैफीन इस्तेमाल करते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका एंजाइटी का लेवल बढ़ जाए एंड आप जिटरी हो जाएं या आपको ट्रेमर्स आने लगे। तो इसलिए द अमाउंट इन मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट। 100 मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन वन कप बेसिकली कीप्स यू बूस्ट फॉर 6 आवर्स ऑफ टाइम। नाउ जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, ये निश्चित ही परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। जो इंड्योरेंस जितने स्पोर्ट्स हैं जैसे रनिंग है, बाइकिंग है, स्विमिंग है, साइंस ऐसा मानती है कि इनमें जो कैफीन है वो जरूर हेल्प करती है। आपको अगर कैफीन आप लेते हैं तो आपको फास्ट रनिंग में हेल्प करती है, फास्ट बाइकिंग में हेल्प करती है। इन ये भी बात जरूर है कि आपका जो मसल पेन है या मसल फटीग है वो हमेशा कम होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट से लेकर 1 घंटे पहले कैफीन इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी बात सही है कि कैफीन आपको सॉलिड उसमें फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए जैसे चॉकलेट है या उस तरह की, सो दैट स्लो रिलीज हो। एंड साइंटिफिकली इट इज अप्रोक्सीमेटली 200 टू 400 मिलीग्राम जो आपको हेल्प करती है। नाउ नंबर 3, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो कैफीन है आपको वर्कआउट से रिकवर करने में हमेशा मदद करती है। अगर आप कैफीन कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो हमारा लिवर है जिसमें ग्लाइकोजन होती है तो वास्तव में कैफीन जो ग्लाइकोजन है उसकी रीस्टॉकिंग में हेल्प करती है, सो दैट एनर्जी का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंट रहे और आप इजीली रिकवर कर पाए। लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट मे बी डेलिटीरियस ऑल्सो। बहुत सारी इस तरह की जो ना प्रॉब्लम्स या डिजीजेज हैं जिसमें साइंटिफिक स्टडी ने ऐसा कहा कि जो कैफीन है इनसे बचने में जरूर मदद करती है। नंबर 1 इज द गॉलब्लैडर स्टोन्स एंड द एनी इन्फ्लेमेशन इन द गॉलब्लैडर। तो गॉलब्लैडर हेल्प्स यू आउट। जो ब्रेन है उसकी बहुत सारी जो ना प्रॉब्लम जो न्यूरोलॉजिकल हैं उनमें साइंस ऐसा मानती है कि जो कैफीन है आपको हेल्प करती है, चाहे वो पार्किंसोनिज्म हो, चाहे अल्जाइमर्स डिजीज हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो और चाहे एपिलेप्सी हो। इन सब में ऐसा माना गया है कि अगर आप कैफीन रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो इंसिडेंस है आपकी लाइफ टाइम में हमेशा सामान्य से कम होता है। बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो। ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि अगर आप कैफीन रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर करके चलता है। कैफीन ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है, बट साइंस ऐसा मानती है कि इट इज पॉसिबली द रिलीज ऑफ द एड्रेनलिन जो एक हार्मोन है जो वास्तव में हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा के चलता है। तो रेगुलर इनटेक ऑफ कैफीन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो थोड़ा सा हाइपर टेंशन में इंक्रिमिनेट किया जाए, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कैफीन लेते हैं तो ये सही बात है कि स्टिमुलेंट है तो आपके हार्ट की स्पीड को बढ़ाता है। हार्ट की स्पीड को ज्यादा बढ़ाएगा तो आपको पेल्पिटेशन की फीलिंग देगा। अगर बहुत सेंसिटिव हैं इसके लिए तो आपको पेल्पिटेशन होंगे, आपको घबराहट जैसी होगी। एंड अगर पेल्पिटेशन ज्यादा हुए तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दे आपका ECG किया जाए तो उसमें कभी कभार हल्के फुल्के एक्टोपिक्स भी दिखाई दे जाते हैं। बट बाई एंड लार्ज बींग ए स्टिमुलेंट ये हार्ट की स्पीड को बढ़ाता है एंड पेल्पिटेशन कराने की ताकत रखता है। नंबर 7, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैफीन बेसिकली डायूरेटिक है। डायूरेटिक से मतलब है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किडनी के थ्रू ये बढ़ाता है। अगर आप एक कप कॉफी लेते हैं तो करीब करीब 3 से 4 घंटे तक आपको यूरिन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना यूरिन हो जाएगी कि पानी की कमी हो जाए आपको, बट इट बेसिकली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ यूरिन। बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलरली लगातार कैफीन लेते चले जाते हैं, कॉफी लेते चले जाते हैं, तो ये जो डायूरेटिक इफेक्ट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये इफेक्ट आपका कम हो जाता है। नाउ अगर आप मीनोपॉजल एज में हैं, दैट इज अराउंड 45,
और आप रेगुलर कॉफी लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो हॉट फ्लशेस होने की संभावना होती है, जो मेनोपॉजल फीमेल्स को होती है, जो कैफीन है वो हॉट फ्लशेस के इंसिडेंस को हमेशा बढ़ाती है। तो अगर आप मेनोपॉजल एज में हैं, आपको हॉट फ्लशेस बार बार होते हैं, तो आपको वास्तव में कॉफी से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो एक्सेंचुएट होती है। नो, एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप रेगुलरली कॉफी या कैफीन लेते हैं एंड आप सडनली उसको बंद कर देते हैं, तो वास्तव में जो कैफीन है वो एडिक्टिव तो नहीं है कि आपको एडिक्शन होता है, लेकिन ये हैबिचुएट करती है। तो आप अगर इसको सडनली बंद करते हैं तो एक विड्रॉल आता है, जिससे आपको रिबाउंड हेडेक हो सकता है। आपको रिबाउंड जो हेडेक है वो कभी कभी ट्रबलसम हो सकता है। जो रिबाउंड अगर हेडेक है एंड ट्रबलसम है, तो या तो आपको कुछ ना कुछ पेन किलर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको कॉफी ही पीनी पड़ेगी, तब जाके आपका रिबाउंड हेडेक खत्म होगा। तो ये हैबिचुएशन है जो कैफीन का, वो कभी कभी रिबाउंड हेडेक लेके आता है। नाउ, जहां तक कैफीन का सवाल है, कैफीन जो है आपकी जो स्लीप है उससे बहुत ज्यादा इंटरफियर करती है। साइंस ऐसा मानती है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर कैफीन आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेज आएंगे। अगर आप कैफीन आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में लेते हैं तो आपकी नाइट टाइम जो स्लीप है वो वास्तव में डिस्टर्ब होगी। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉफी और कैफीन, देन द रिकमेंडेशंस आर दैट आफ्टरनून आपको कैफीन या कॉफी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। बहुत सारी जो कैफीन है वो दूसरी चीजों में आती है, एनर्जी ड्रिंक्स में आती है, ग्रीन टी में है, इन सभी में कैफीन है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आप इवनिंग आवर्स और या नाइट में इस्तेमाल करेंगे तो स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी कॉफी ज्यादा है, कितनी कॉफी को आप ज्यादा मानते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें कि एक कप जो एवरेज कप जो कॉफी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीग्राम आप कैफीन होता है। साइंस ऐसा मानती है कि मैक्सिमम लिमिट जो कैफीन की है इज अराउंड 600 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि 24 घंटे में आप 6 कप कॉफी से ज्यादा नहीं पी सकते। अगर इससे ज्यादा पिएंगे तो आपको पूरे साइड इफेक्ट आएंगे, बट ऑन एन एवरेज इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको लेना है तो अप टू 400 मिलीग्राम, दैट्स 4 कप्स ऑफ कॉफी इज गुड इनफ। इससे ज्यादा आप लेते हैं तो वास्तव में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। ये भी बात सही है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कॉफी के लिए या कैफीन के लिए ओवरली सेंसिटिव होते हैं, तो वो अगर एक भी कप कॉफी पीते हैं तो उनको हेडेक, पेल्पिटेशन, मसल ट्विचिंग, स्टमक में पेन, ये सभी सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओवरली सेंसिटिव हैं और ये सिम्टम्स आपको थोड़े से भी मात्रा लेने से आते हैं, तो आपको फिर कॉफी या कैफीन अवॉइड करना चाहिए। तो कैफीन वास्तव में जहां तक हमारी लिए हेल्प का सवाल है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमको एक अलर्टनेस लेके आता है, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करता है, हमारी जो मसल रिकवरी है उसमें हेल्प करता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो डिजीजेज हैं उनसे बचाता है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। एंड इट्स ए हैबिचुएटिंग ड्रिंक, तो अगर आप रेगुलरली लेते चले जाते हैं तो इसकी हैबिट पड़ती है और आप बंद करेंगे तो आपको रिबाउंड हेडेक होना चालू होगा। तो इसलिए आपको देखने की जरूरत है कि आपको कितना कॉफी पीने की जरूरत है, कितना कंज्यूम करने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट डेवलप हैबिचुएशन, रिबाउंड हेडेक एंड जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैफीन। थैंक यू वेरी मच।